नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ रिटेल फर्म नब जब हम बात करेंगे किसी भी हवाले से किसी रिटेल फर्म की स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लानिंग स्टेप और फिर उसके बाद उसकी ऑर्गेनाइजिंग स्टेप तो ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस परस्पेक्टिव तो अभी हम देखेंगे डिस्कस करेंगे उस प्रोसेस को जो कि एक्चुअली एक प्रॉपर रिटेल ऑर्गेनाइजेशन को के लिए हमें हेल्प करता है तो वट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस लेट मी शेयर इट विद यू वन बाई वन तो सबसे पहला पॉइंट जो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के अंदर रिटेल फॉर्म के अंदर आता है द फर्स्ट पॉइंट इज आउटलाइनिंग द स्पेसिफिक टास्क टू बी परफॉर्म्ड इन रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिस तरह से आपको पता है कि रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जिसमें स्टार्टिंग फ्राम द मैनुफैक्चर गोड गोज अप टिल द रिटेलर वो सारे लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर मौजूद हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें सबसे पहला काम यह करना है कि आउटलाइन करना है स्पेसिफिक टास्क टू बी परफॉर्म्ड तो उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जिस जिस जो जो टास्क परफॉर्म करना है उसको कहीं ना कहीं हमने आउटलाइन कर लेना है उसको कहीं ना कहीं हमने ड्राफ्ट की शक्ल में ले आना है ताकि हमें आइडिया हो कि किस किस शख्स ने इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर क्या क्या काम करना है फिर उसके बाद हम मूव करते हैं दूसरे स्टेप के ऊपर दूसरा स्टेप क्या है दूसरा प्रोसेस क्या है डिवाइडिंग द टास्क कमन द चैनल मेंबर्स एंड द कस्टमर्स तो जो भी अभी हमने टास्क आउटलाइन बनाई है उनकी अब द नेक्स्ट पार्ट इज दैट यू हैव टू डिवाइड देम इन टू डिफरेंट चैनल मेंबर्स एंड डिफरेंट कस्टमर्स जब आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो एक्चुअली आपने हर बंदे को कुछ ना कुछ टास्क असाइन कर दिया है तमाम चैनल मेम्बर्स को कोई ना कोई टास्क असाइन कर दिया है ताकि वो प्रॉपरली जॉब जो है वो कम्प्लीटली डन हो सके फिर हम थर्ड पार्ट में आते हैं प्रोसेस के रिटेलर टास्क इेंट जॉब करनी है इसको कैसे करना है इसको डिटेल से इलेबरेट करता हूं फोर्थ पार्ट के ऊपर फोर्थ प्रोसेस के अंदर जब आप जॉब्स असाइन कर चुके होते हैं देन यू मूव टू क्लासीफाइंग जॉब तो जो आपने जॉब असाइन की है फिर उन जॉब्स को आप क्लासीफाई कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन डायमेंशन वो कौन कौन सी डायमेंशन uh, हैं वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं सो फोर्थ पार्ट में यू एक्चुअली क्लासीफाई जॉब्स और फिफ्थ पार्ट के अंदर विच इज़ द लास्ट लास्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस आप इंटेग्रेट करते हैं पोजिशंस को थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट यानी कि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनोग्राम आप डेवलप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो भी आपने ऊपर जॉब्स आइडेंटिफाई किए हैं जो टास्क आइडेंटिफाई किए थे और उन टास्क की बेसिस के ऊपर जो जो आपने रोल आइडेंटिफाई किया था तो हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम द आउटलाइनिंग द टास्क से लेकर टिल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट तक एक कम्पलीट ऑर्गेनोगे कंप्लीट पिक्चर हमारे पास बनकर आ जाती है अब वन बाय वन इसको हम क्विकली डिस्कस करते हैं सो द फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास इस तरह से अभी हमने डिस्कस किया डिवीजन ऑफ टास्क है इन टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो सबसे पहले हमने आउटलाइन बना ली उन तमाम टास्क की और फिर उसको डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के अंदर कोई लोगों को देख लिया कि कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन मेंबर चैनल का जो है वो क्या किस किस टास्क को देखेगा तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पिक्चर के अंदर रिटेलर की जिस तरीके से ये आपके सामने रिटेलर यहाँ है सो so, रिटेलर को क्या टास्क असाइन कर दिया रिटेलर कैन परफॉर्म ऑल और सम ऑफ द टास्क इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम द बाइंग मर्चेंडाइज टू कोर्डिनेशन सो रिटेलर की जिम्मेदारी में ये एक टास्क हमने असाइन कर दिया तो एक्चुअली हमारे पास जो लिस्ट ऑफ टास्क हैं हमने वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जितने लोग हैं उनको असाइन करना है और वो कौन कौन लोग हैं दे आर द रिटेलर वो मैनुफैक्चर है होलसेलर है स्पेशलिस्ट है गोज अप टिल द कंज्यूमर तो रिटेलर के जिम्मेदारी के अंदर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो टास्क था वो मैंने आपसे शेयर कर लिया फिर मैनुफैक्चर और होल सेलर वट टास्क यू कैन असाइन टू देम दे कैन टेक केयर ऑफ फ्यू और मैनी फंक्शंस सच एस शिपिंग है मार्किंग मर्चेंडाइज है इन्वेंट्री है डिस्प्ले है स्टोरेज है रिसर्च है तो इस तरह की चीजें जो है इस तरह के टास्क यू कैन असाइन टू द मैनुफेक्चर और होल सेलर दैन थर्ड जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मेम्बर है दैट इज स्पेशलिस्ट सो दे कैन अंडरटेक अ पर्टिकुलर टास्क वो बेसिकल बेसिकली कोई एड एजेंसी का फंक्शन हो सकता है किसी अकाउंटिंग का फंक्शन हो सकता है किसी क्रेडिट का फंक्शन हो सकता है आई टी से रिलेटेड फंक्शन हो सकता है कोई बाइंग ऑफिस का फंक्शन हो सकता है कोई डिलीवरी सर्विस का फंक्शन हो सकता है सो स्पेशलिस्ट कैन अंडरटेक कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क और मल्टीपल टास्क जो कि रेलिवेंट हैं इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड सो लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का जो अंदर uh, पार्टनर है जो मेंबर है दैट इज़ कंज्यूमर सो कंज्यूमर कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी फॉर आइदर कैश परचेज और क्रेडिट परचेज फॉर द सेल्फ सर्विस से सेल्स एफर्ट जिसको हम कह रहे हैं एंड फॉर द प्रोडक्ट ऑल्ट्रेशन जिसको हम डी आई वाई और डू इट योर सेल्फ की हम बात कर रहे होते हैं डू इट योर सेल्फ को नॉर्मली डी आई वाई कह रहे होते हैं तो हमने तमाम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो लोग थे उनको डिफरेंट टास्क असाइन कर दिए अपने स्टेज के अंदर अपने स्टेप के अंदर ऑफ द प्रोसेस उसके बाद जब हम आगे मूव हुए हमने अब उन टास्क को ग्रुप कर दिया डिफरेंट जॉब्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल हम ये सारी बहुत डिटेल से डिस्कस नहीं करते लेट मी लेट मी पिक वन ऑफ देम और टू ऑफ देम फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट टास्क था डिस्प्ले मर्चेंडाइज कस्टमर कॉन्टैक्ट गिफ्ट रैप करना कस्टमर का फॉलोअप तो ये एक टास्क है और डिफरेंट टी थ्री फोर टास्क है जो कि अब किस जॉब को असाइन किए जाएंगे जिस शख्स जिस जॉब को असाइन किए जाएंगे वो जॉब है एक्चुअली सेल्स पर्सनैल की तो हमने टास्क को ग्रुप कर दिया और उनको डिफरेंट जॉब्स असाइन कर दी इसी तरीके से क्योंकि ये डिफरेंट जॉब्स देन हमें हेल्प करेंगी अपना ऑर्गेनाइजेशन का रिटेल ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनोग्राम बनाने में उसका हरिकी बनाने में इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं किसी दूसरे टास्क की आ, सेट ऑफ टास्क की तो सबसे पहले हमारे पास है एंट्रिंग ट्रांजेक्शन डेटा हैंडलिंग कैश परचेजेस हैंडलिंग क्रेडिट परचेजेस गिफ्ट रैपिंग एंड सो एंड सो तो ये काम नॉर्मली कौन कर सकता है इस तरह के टास्क कौन कर सकता है अगर आप नोटिस करें तो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कैश और क्रेडिट हैंडलिंग से रिलेटेड नॉर्मली टास्क द जॉब असाइन टू द कैशियर इसी तरीके से अगर हम Uh, बिल्कुल सेकेंड लास्ट पॉइंट की तरफ चले जाते हैं बिकॉज आई एम गिविंग यू जस्ट फ्यू गुड एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुपिंग टास्क इन टू जॉब तो हमारे पास एक और एग्जाम्पल है लेट्स से क्लीनिंग ऑफ द स्टोर रिप्लेसिंग ओल्ड फिक्सर विद ए न्यू फिक्सर और स्टोर की केयर टेकिंग केयर करना कोई मोपिंग करना एंड सो एंड सो तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जॉब कहलाएगी जेनेटेरियल पर्सनैल के हवाले से कि ये जो हाउसकीपिंग स्टाफ है दे आर रिस्पांसिबल फॉर इट तो ये जॉब असाइन कर दी गई है और अगर हम लास्ट की बात करते हैं एक और एग्जाम्पल विच इज़ रिलेटेड टू द टॉप मैनेजमेंट जॉब टास्क तो पर्सनल मैनेजमेंट सेल्स फोरकास्टिंग बजटिंग प्राइसिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट टास्क तो ये सेट ऑफ टास्क जो ये रेलिवेंट हैं इनको जो जॉब असाइन की गई है दैट इज पीपल आर कॉल्ड मैनेजमेंट पर्सनैल तो हमारे पास एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर व्हेन देर आर डिफरेंट टास्क तो हम उनको जॉब्स असाइन कर देते हैं जिस तरीके से यहां आपको मैंने चार डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए शेयर किया इसी तरीके से जब एक जॉब असाइन कर देते हैं फिर उस जॉब की एक प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफाई कर दी जाती है डिफाइन कर दी जाती है एक एग्जाम्पल ये आपके सामने ओवर द स्क्रीन है जो कि आपको बताती है कि इस पर्टिकुलर जॉब से आपकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके क्या ड्यूटीज हैं आपके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपकी कौन कौन किस किस को आपने रिपोर्ट करना है हु रिपोर्ट्स टू यू तो एक बेसिक टाइटल हमारे पास एज एन एग्जाम्पल जो है वो नजर आता है उसके बाद जब हम ये काम कर चुके होते हैं फिर देन वी क्लासीफाई जॉब्स जो कि हमारा सेकेंड लास्ट स्टेप और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की डेवलपमेंट जो कि लास्ट स्टेप उस उस प्रोसेस के लास्ट फेजिस के ऊपर हम आ जाते हैं तो सबसे पहले हम क्लासिफाई कर देते हैं जॉब्स को इन चार तरीके से वन ऑफ देम को फॉलो करते हुए आइदर वी क्लासीफाइड जॉब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और वी क्लासीफाइड जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और वे क्लासीफाइड जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी और वे यूज अ कॉम्बिनेशन वाइल्ड क्लासीफाइंग आवर जॉब्स तो जिस आइर वो किसी फंक्शन की बेस के ऊपर है विच इस फाइनेंस का फंक्शन और दी आईटी का फंक्शन और सेल्स का फंक्शन फंक्शन की बेसिस के ऊपर है तो या प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की बेसिस के ऊपर है तो इस बेसिस के ऊपर हम क्लासिफाई कर देते हैं जॉब्स को और देन फिर इन जॉब्स का हम एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट डिवेलप कर लेते हैं जब हम ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट डिवेलप कर लेते हैं तो ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर हमने टास्क को आउटलाइन किया उसको उसको हमने लिस्ट आउन किया उन टास्क को हमने जॉब असाइन की उन जॉब्स को टाइटल असाइन किए जॉब डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफाई की क्लासिफाई की, की जॉब्स को और फिर लास्ट पार्ट में हमने ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाया ऑर्गेनोग्राम बनाया ताकि हम एक प्रॉपर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई कर सकें सो so, ये प्रोसेस समझना बड़ा ज़रूरी है जब भी हम किसी रिटेल ऑर्गेनाइजेशन को कि ऑर्गेनाइजिंग के हवाले से हम बात करेंगे उसके बगैर ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगा